हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट टेरिडोफाइट। स्टूडेंट, हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जो है यहाँ पे हॉस्टेल्स एंड फर्न्स, ये दो मेन ग्रुप्स जो है इंक्लूडेड है इसमें। हम टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट्स जो है उसके यूजेस के बारे में बात करें तो वो मेडिकल पर्पस एज अ सॉइल बाइंडर्स एंड आल्सो यूज एज अ ऑर्नामेंटल्स। ओके, ऐसे मेनली ये इस तरह से हमें यूजेबल है। देन एवोल्यूशनरी स्टडीज के बारे में बात करें स्टूडेंट, तो ये हमें पता है कि पहले एल्गे के बाद ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि ट्रू लीफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स तो नहीं है बट उसके जैसा थोड़ा बहुत है। बट आप टेरिडोफाइट्स प्लांट में देखोगे तो आपको उसके अंदर ट्रू रूट्स लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप इसके अंदर देखो तो ये जो टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट के अंदर ये जो फर्स्ट प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर वेसिक्यूलर टिश्यू देखने को मिलती है। स्टूडेंट, वेसिक्यूलर टिश्यू मीन्स क्या? तो वेसिकुलर टिश्यू मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज अ वेसिकुलर टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, हम आगे बात करें तो इसकी हैबिटेट जो है, टेरिडोफाइट्स जो है वो हमें कूल डैम एंड शेडी प्लेस में देखने को मिलेगी। ओके, नॉर्मली जो सैंडी सॉइल्स होती है वैसी कंडीशंस में भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। स्टूडेंट, हमने आगे डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर जो है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक ही लाइफ स्टेज में दो स्टेज देखने को मिलते हैं, एक तो गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, ऐसे दो स्टेज देखने को मिलते हैं। हमने आगे ब्रायोफाइटा में देखा तो ब्रायोफाइटा में जो है मेन डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइटिक स्टेज है। बट जब हम टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट के अंदर स्टूडेंट हमें स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो मेन डोमिनेंट स्टेज की जगह पे देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बात करें तो अब हम थोड़ा जो है ये टेरिडोफाइट्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है ओके, उसके अंदर कैसे उसकी स्ट्रक्चर्स, लीफ के स्ट्रक्चर्स, स्टेम के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो तो ये जो स्टेज है स्टूडेंट, ध्यान रखना, दिस वन दिस ऑल आर टेरिडोफाइट्स। ओके, तो आप देखो स्टूडेंट, तो ये जो सारे आपको टेरिडोफाइट्स प्लांट दिख रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में आपको ये स्टेज जो दिख रहा है अभी, दिस स्टेज इज नोन एज अ स्पोरोफाइट स्टेज। ओके, ये स्पोरोफाइट स्टेज है स्टूडेंट, और स्पोरोफाइट स्टेज में आप देखो तो आपको इसके अंदर ट्रू रूट्स लीफ एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, राइट? अब आप देखो तो यहाँ पे आप इसके लीफ देखो, ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन स्पीसीज देयर आर लीफ स्ट्रक्चर्स और उसके अरेंजमेंट आपको डिफर देखने को मिलेगी, राइट? तो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में आपको स्मॉलर लीफी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो दिस स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ माइक्रोफाइल्स। ओके, और वो है सेलागिनेला में। सेलागिनेला जो प्लांट स्पीसीज है उसके अंदर आपको स्मॉल लीफी लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप क्या कह सकते हो, माइक्रोफाइल्स। ओके, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर नोन एज अ माइक्रोफाइल्स। ओके, और उसी तरह से आप देखो तो सम ऑफ द प्लांट में इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बड़े बड़े लीफ है, लार्जर लीफ है, सो दैट इज नोन एज अ मैक्रोफाइल्स। ओके, तो उसके लीफ को आप लार्जर साइज में है सो मैक्रोफाइल्स कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये जो स्टेज हमने देखे प्लांट के कौन से स्टेज है, तो स्पोरोफाइट स्टेज है जो कि इसमें डोमिनेंट देखने को मिलेगा, मेन स्टेज यही देखने को मिलेगा, राइट?
अब आगे बात करें स्टूडेंट, तो इसी स्टेज में आपको स्ट्रॉबेरी भी देखने को मिलती है, स्ट्रॉबेरी या तो फिर कॉर्न। तो ये जो कॉर्न होता है, ये स्ट्रॉबेरी के अंदर मदर स्पोर फॉर्म होता है। और ये मदर स्पोर्स जो है वो आगे जाके जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट अभी आपको यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस क्लियर है, और टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो क्लियर है, कौन से स्टेज में, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज में आपने देखा। अब स्टूडेंट ये स्पोरोफाइटिक स्टेज तो मेन डोमिनेंट स्टेज है, वो तो बाद में आता है, तो उसके पहले क्या होता है राइट? तो उसके पहले वाला जो स्टेज है गैमेटोफाइट स्टेज है वो तो हमने अभी देखा ही नहीं राइट? तो अब हम डिस्कस करेंगे गैमेटोफाइट स्टेज के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो अब हम ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यानी कि टू स्टेज देखने को मिलते हैं। तो टू स्टेज में उसका फर्स्ट स्टेज कौन सा रहता है स्टूडेंट? तो उसका फर्स्ट स्टेज रहता है गैमेटोफाइट। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज जो है वो है गैमेटो फाइट स्टेज। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेज में समझो कि ये इसके स्पोर्स रिलीज हुए थे। अब ये स्पोर्स को क्या मिला? तो स्पोर्स को इसे जो रिक्वायर्ड कंडीशन है कैसी, तो कूल सैडी प्लेस चाहिए ग्रो होने के लिए, वो मिली। तो वो बाद में इस तरह से जो है अनडिफरेंटिएटेड कौन सा फॉर्म, अनडिफरेंटिएटेड सेल सेल स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज थैलस। तो थैलस बॉडी फॉर्म करेगा राइट? अब ये जो थैलस बॉडी है क्या होगी, तो अब उसको क्या मिलेगा, प्रॉपर एनवायरमेंट मिलेगा, उसे चाहिए वो न्यूट्रिशन मिला, देन वो क्या करेगी, ग्रो होगी। और ग्रो होने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, तो ये थैलस के ऊपर ये क्या डेवलप करेगी, इस तरह से मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। स्टूडेंट क्या होगा, तो यहाँ पे जो है जो मेल ऑर्गन रहेगा, ये मेल ऑर्गन को स्टूडेंट हम कहेंगे एंथ्रीडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को स्टूडेंट हम कहेंगे आर्चिगोनिया। स्टूडेंट अब क्या होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो मेल एंथ्री दिया है उसमें स्पोर फॉर्म होगा, और वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो वो ट्रांसफर होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर। तो मेल गैमेट कौन सा, एंथ्रोजॉइड। कौन सा, तो मेल गैमेट जो है वो है एंथरे जॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जो है, ये एंथ्रोजॉइड्स गैमेट एंथ्रीडिया में से आर्चिगोनिया में ट्रांसफर होगा, और आर्चिगोनिया के अंदर जो एग सेल होगा वहां पे जाके वो फ्यूज्ड होगा। फ्यूज्ड होके ऑफ कोर्स क्या बनेगा, तो जाइगोट बना। अब आर्चिगोनिया के अंदर जाइगोट बना। अब ये जाइगोट क्या करेगा, तो ये जाइगोट जो है, अब ये जाइगोट आगे जाके जो है वेल डिफरेंटिएटेड स्पोरोफाइट स्टेज द डोमिनेंट स्टेज में जाएगा। अब जायगोट डेवलप होके कौन से स्टेज में, स्पोरोफाइट स्टेज में। अब ये स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट, तो अब ये स्टेज में जो है हमने देखा किस तरह से प्लांट बॉडी आपको वेल डेवलप देखने को मिली इस तरह से राइट। प्लांट बॉडी जो है वो वेल डेवलप देखने को मिलेगी, और क्या फॉर्म करता है, तो स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है
वो क्या करेगा? तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी और कॉर्न फॉर्मेशंस करता है, राइट? तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके? और उसमें जो है स्टूडेंट, ध्यान रखना, स्ट्रॉबेरी के अंदर ये क्या है? स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी के अंदर स्पोर फॉर्म होते हैं। तो वो स्पोर जो है स्टूडेंट, टू टाइप ऑफ स्पोर होते हैं। वन इज होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। होमो यानी कि क्या? तो सिमिलर स्पोर, ऐसे स्पोर जिसका स्ट्रक्चर और साइज कैसा हो, सिमिलर हो, वैसे स्पोर को हम होमोस्पोरस कहते हैं। और दूसरा जो है हेटरोस्पोर। हेटरोस्पोर्स यानी कि क्या? तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर क्या हो, तो एक मैक्रो हो और दूसरा माइक्रो, एक स्पोर बड़ा हो और दूसरा स्पोर छोटा हो, तो ऐसे स्पोर को हम जो है हेटरोपोरस स्पोर कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी के अंदर आपको या तो होमोपोरस या तो हेटरोपोरस देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और ये दोनों जो है इस तरह से स्ट्रॉबेरी के अंदर ग्रो होंगे। ओके, स्ट्रॉबेरी के अंदर ग्रो हुए, उसके बाद आप याद रखना कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, राइट? और आगे जाके इसमें से जो फीमेल गैमेट है, राइट, तो ये फीमेल गैमेट ही आगे जाके क्या होगी? तो ये एक यंग एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, राइट? और आगे जाके यहां से ही स्टूडेंट, यहाँ पे ही आप देखो तो ये जो स्पोर्स है, राइट, और ये किसके अंदर फॉर्म हुए? स्ट्रॉबेरी के अंदर। कब? तो यहाँ पे आपने देखा कि जायगोट फॉर्म हुआ और जायगोट फॉर्म होके तो स्पोरोफाइट स्टेज में चला गया, राइट? तो जो ये जायगोट है, ये जायगोट, ये स्पोरोफिल स्टेज में एम्ब्रियो जो है वो पहले तो जायगोट थोड़े पीरियड तक एज इट इज रहता है, फिर कुछ पीरियड के बाद ये जायगोट डेवलप्ड होके एम्ब्रियोस बनाता है। किसके अंदर? तो यहाँ पे जो फीमेल गैमेट्स है ना, ओके, तो फीमेल गैमेट्स के अंदर बनाता है, राइट? तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि प्लांट के ऊपर जो सीड्स आते हैं, राइट, तो यहाँ पे किस तरह से ये कॉर्न फॉर्म हुआ, कॉर्न में फीमेल एंड मेल गैमेट्स बने, ओके, तो रिस्पेक्टिवली यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से एवोल्यूशन हुआ होगा और धीरे धीरे से सीड फॉर्मेशन प्लांट में स्टार्ट हुई होगी। तो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट पॉइंट कि कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट से जो सीड्स एवोल्यूशन है या सीड हैबिटेट है वो एवोल्यूट होने की पॉसिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पे ये जो कौन है ना स्टूडेंट, राइट, कौन सा ग्रुप? टेरिडोफाइट ग्रुप में से स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है होमो यानी कि जो होमोस्पोर होते हैं जिसमें सेम साइज के स्पोर देखने को मिलते हैं वो है सेलागिनेला, एंड डिफो जो है वो स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे हेटरोपोरस देखने को मिलेंगे साल्विनिया में, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, आगे जाके ये जो टेरिडोफाइट्स है वो आपको तो आपको डिफो ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, जैसे कि सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, ओके, स्पिनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा, ऐसे ग्रुप में स्टूडेंट डिवाइडेड है। और इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो प्लेसिटोम, ध्यान सेलागिनेला, लाइकोपोडियम, ध्यान इक्विसिटम एंड ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस एंड एडनेटम, ऐसे प्लांट स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट डिफो इसकी प्लांट बॉडीज है, राइट, हमने देखा कि ये माइक्रोफाइल्स एंड ये मैक्रोफाइल्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे टेरिडोफाइट कंप्लीट होता है। थैंक यू।